सुंदरनगर के महावीर स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के छात्र आस्तिक गुप्ता का छठे दिन भी कोई सुराग पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को नहीं मिल पाया है। रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए युवक का पता लगाना पुलिस और एनडीआरएफ की टीम के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पिता प्रदीप गुप्ता और अन्य परिजन दर दर भटकने को मजबूर है। पिता प्रदीप गुप्ता ने बेटे आस्तिक गुप्ता का पता लगाने वाले को 51,000 की नगद राशि बतौर इनाम स्वरूप देने का ऐलान किया है। आस्तिक गुप्ता के पिता प्रदीप कुमार गुप्ता निवासी बग्गी तहसील बल्ह जिला मंडी ने आम जनता से आग्रह किया है कि अगर कहीं भी उनका बेटा आस्तिक गुप्ता मिलता है या उसकी पहचान होती है तो ऐसे शख्स को वह नगद इनाम देकर सम्मानित करेंगे और बताने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने इस दिशा में आम जनता से सहयोग की अपील की है और अपने बेटे से भी आग्रह किया है कि अगर वह जहां कहीं पर भी है अपने घर लौट आए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और सारा परिवार परेशानी में आ गया है। उन्होंने अपने बेटे से आग्रह किया है कि वह हर हाल में किसी भी सूरत में उसको अपनाने के लिए तैयार है। वह किसी भी तरह का कोई गिला शिकवा उससे नहीं रख रहे हैं। वह जहां कहीं पर भी है और उसे पता चल रहा है तो वह शीघ्र परिवार से उनके मोबाइल पर संपर्क करें, वह उसे खुशी खुशी स्वीकारेंगे। गौर रहे कि आस्तिक गुप्ता सुंदरनगर के महावीर पब्लिक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ता है और हॉस्टल में ही रहता था। छुट्टियां होने की सूरत में वह अपने चाचा के घर जहां पर वह रहता था वहां के लिए लौट रहा था और अंतिम बार सीसीटीवी कैमरे में पुराना बस अड्डा में नजर आया था। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। बग्गी नहर किनारे उसका बैग बरामद हुआ है जिसके चलते कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और पुलिस भी अपने स्तर पर पता लगा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी नहर में चप्पा चप्पा छान रही है लेकिन कोई भी पता अभी तक नहीं चल पाया है, जिसके चलते आस्तिक गुप्ता के न मिलने से पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भी सकते में है। वहीं परिजनों ने आम जनता से आग्रह किया है कि अगर उनके बेटे आस्तिक गुप्ता का कहीं पर भी पता चलता है तो मोबाइल नंबर 9816045278 तथा 9805644551 पर संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा बेटा महावीर पब्लिक स्कूल में पढ़ता है जिसको मैंने 6 महीने से यहाँ डाला हुआ है। वो हॉस्टल में रहता था तो 2-3 दिन की छुट्टी थी, वो घर आया हुआ था। घर आने के बाद वो सोमवार को अपने चाचू के साथ जो है सोमवार को उसको छोड़ने गए और वो स्कूल गया। स्कूल में पूरा दिन स्कूल पीरियड लगाए उसने तो 4:10 पे जो है वो वापस स्कूल से जो है पुराना बस स्टैंड में जो है उसको देखा गया। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं लग रहा है। जिस किसी को भी मेरे इस बेटे आस्तिक गुप्ता को देखा है कहीं भी या कोई ढूंढ सकता है तो मैं उसको उचित इनाम दूंगा और प्रशासन भी हमारी पूरी सेवा दे रहा है। पूरा प्रशासन हमारा साथ दे रहा है। एनडीआरएफ भी पूरी कोशिश कर रहा है, वो भी 3 दिन से इस काम में लगे हुए हैं। और जो है मैं इस जो कोई इस बच्चे को मेरे पास लेके आएगा या कोई सुराग देगा तो मैं उसके लिए जो है 50,000 की घोषणा करता हूँ और उसका नाम गुप्त रखूँगा। मैं किसी प्रकार की उसको कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा या कोई भी उसको जो है मैं गुप्त नाम रखूँगा उसका। जो कोई भी उसको देखेगा ले आएगा या कोई सुराग देगा तो मैं उसको 50,000 का इनाम देने की घोषणा करता हूँ। मैं अपील करता हूँ अपने बेटे आस्तिक गुप्ता से, वो जहाँ कहीं भी है मैं उसको कोई तंग नहीं करूँगा या कुछ नहीं बोलूँगा। वो खुशी खुशी मेरे पास आए और मैं उसको कोई भी किसी भी प्रकार के बारे में कुछ नहीं पूछूँगा उससे। तू जैसा भी है जहाँ भी है खुशी खुशी घर आ जा। हम यही अपील करते हैं बेटा कि तू घर आ जाए। हम तेरी माँ बहन दादा दादी सभी जो है तेरे को बहुत याद कर रहे हैं। हम सब परेशान हैं। प्लीज़ कहीं भी है जल्दी से जल्दी घर आने की कोशिश कर बेटा। जहां कहीं भी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरा नंबर 9416349139 है और 9816 है 45278 है। जो कोई भी इस नंबर पे मेरे से संपर्क करना चाहता है वो कर सकता है, मैं उसको उचित इनाम। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव,
मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goelmotor.com पर।